आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। आज का हमारा डाउट है, सपोज ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट लॉग ए बी इज 27 प्लस लॉग बी बी इज 9 इक्वल्स टू 7/2 एंड लॉग बी बी इज 27 प्लस लॉग ए बी इज 9 इक्वल्स टू 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग जब बेस में ए रेज टू पावर एम बी हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/m log b बेस a। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 27, इसको हम लिख सकते हैं 3^3, 9, इसको हम लिख सकते हैं 3^2, सेम यहाँ पे 27 एंड 9 है। तो हमारी पहली जो इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं log 3^3 a प्लस log 3^2 b इक्वल्स टू में 7/2। और दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी log 3^3 b प्लस log 3^2 a इक्वल्स टू में 2/3। ठीक है, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, 1/3 log a बेस 3 प्लस 1/2 log b बेस 3, 1/3 log b बेस 3 प्लस 1/2 log a बेस 3 इक्वल्स टू में 2/3। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, log a बेस 3 को हम x मान लें एंड log b बेस 3 को हम y मान लें। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी x/3 प्लस y/2, सॉरी सामने 7/2 था, ठीक है, इक्वल्स टू में 7/2 एंड y/3 प्लस x/2 इक्वल्स टू में 2/3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई एंड इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 3x/2 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहाँ पे हम लिखे अगर इक्वेशन 2 को कुछ ऐसे, 3x/2 प्लस y इज इक्वल्स टू 2 माइनस, तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 2x/3 माइनस 3x/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 11, सॉरी x इक्वल टू आएगा 6 एंड 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू आएगा हमारा माइनस 6। एंड यहां पे जब हम y को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स यानी कि माइनस 6/3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो हमारे पास यहाँ y आ जाएगा 11। ठीक है, x हमारा पास है माइनस 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पहले हमने x किसको माना था, हमने x माना था log 3 log a बेस 3 इक्वल्स टू माइनस 6, तो a हमारे पास आ जाएगा 3^ माइनस 6 एंड y हमने माना था किसको, y हमने माना था log b बेस 3, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 11, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3^11। तो अब हमारा जो a इंटू बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 3^ माइनस 6 इंटू 3^11 यानी कि 3^11 माइनस 6 यानी कि 3^ यानी कि 243। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।